जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र की भूंगरा गांव में जो घटना हुई, तमाम लोग जानते हैं कि वो क्या घटना हुई, और हमने भी आपको तमाम वीडियो दिखाए हैं कि ये घटना किस तरीके से हुई, क्या घटना घटी है। लेकिन इस घटना में हम लोग कैसे आर्थिक मदद करें इस पीड़ित परिवारों की, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास अलग अलग फोन आ रहे हैं, अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि हमारी एक कमेटी है समाज की, सभा की कोई कमेटी, उसके फोन पे नंबर दीजिए। कोई किसी के व्यक्तिगत नंबर देने की बात कर रहे हैं, कोई किसी की नंबर देने की बात कर रहे हैं। तो आज गांव के कुछ मौजूद लोग और उन परिवार के जिनके साथ ये घटना घटी है, जिनके जिनकी शादी थी सुरेंद्र सिंह के, उनके सगे बड़े भाई हैं, जिनके घर सुरेंद्र सिंह की बारात जानी थी, जिनकी इनकी सगी छोटी बहन की शादी सुरेंद्र सिंह के साथ होनी थी, ये सुरेंद्र सिंह के ताऊ जी के बेटे भाई है, बाकी इनके कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई समाज के रिश्तेदार हैं, कोई गांव के, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, इनसे ही जानूंगा कि मोहम्मद सिंह जी आप बताएं कैसे मदद किनको करनी चाहिए, क्या फोन पे नंबर होने चाहिए। ऐसा है सर कि ज्यादा लोग कुछ भी बोले, अकाउंट नंबर जो सुरेंद्र सिंह जी और सगत सिंह का दिया है उसी में सारा जो भी मदद करना चाहे करे। बाकी गांव के सब लोग बैठे हैं, जो भी कैजुअलिटी हुई है सब हमारे रिश्तेदार की, हमारे ही परिवार की हुई है। जो भी हमारे घर आए तो वो हमारे रिश्तेदार थे इसीलिए आए हैं। तो फिर जो भी फंड आएगा या जो भी सहायता आएगी ये गांव के मौजूद लोग उस अनुसार सबको सर्कुलेट किया जाएगा, वो किसी एक के घर में नहीं रहेगा। तो ज्यादा अकाउंट नंबर इधर उधर के देने से क्या होगा कि लोगों में भ्रमणा पैदा होगी। इससे बढ़िया अकाउंट नंबर वही है जो सगत सिंह और सुरेंद्र जी का जो अकाउंट नंबर है आपको बता रहा हूँ मैं, उसी में आप करवाएं और एक से एक घंटे बाद बता रहा हूँ। आप लोग मैं नजदीक आ जाऊंगा। आप लोग कहीं नाम कटे सिंह अठे जो आप, अच्छा आप लोग कहीं क्या होना, कहीं ना तेरा नंबर देना चाहिए। यहाँ ठीक है, कैब हम के आवाज सही है। अच्छा आप हैंग लोग ही, सभी सहमत सभी लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो नंबर देंगे वो हर जगह सर्कुलेट हो जाएंगे। आप सब लोग सहमत होने चाहिए, सभी लोग सहमत है ना। अच्छा अब आप मुझे नंबर बताइए, क्या बोली किसके नंबर है, क्या है बताइए। सुरेंद्र सिंह के फोन पे नंबर है 8769 एक बार फिर रिपीट कर दूं, 8769 अभी आप हिंदी में एक बार बता दीजिए नंबर। 87 69 33 00 72 8 7 8 7 6 9 3 3 2 2 7 2 8 7 6 9 3 3 0 0 7 2 7 2 ये फोन पे नंबर है। मैं फोन पे नंबर एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सुरेंद्र सिंह के जो फोन पे नंबर है जो इन्होंने बताया, और गांव के जहाँ यहाँ मौजूद इस वक्त जो लोग बैठे हैं, जब मैं ये खबर बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, इन लोगों से जैसा कि आपने वीडियो में देखा हमने पूछा, तो ये फोन पे नंबर जो सगत सिंह के हैं, सुरेंद्र सिंह ऊपर वाले जो है लोक आ गया, आप खोल लीजिए, सुरेंद्र सिंह के हैं जो दुल्हा है सुरेंद्र सिंह, 8 7 6 9 3 3 0 0 7 2। अब इनका ये कहना है कि जिनका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी हमने जो बात की है यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग इस आगजनी में झुलसे हैं उसमें अधिकतर महिलाएं हैं, और सभी महिलाओं ने गहना पहन रखा था, और जब ये आगजनी की घटना हुई तब तमाम वो गहना इस तरीके से जल चुका था कि उन्होंने फेंक अपने जो गहने पहने फेंक दिए, कुछ जल गए कुछ फेंक दिए, और उनके साथ भी घटना घटी है। हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी जिनके साथ देखिए बड़ी घटनाएं हुई है, मैं उनको इनके परिवार के लोग पास में बैठे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इस घटना में 12 लोगों की मौत हुई है। उनकी मदद के साथ साथ तमाम उन लोगों की भी मदद होनी चाहिए जो आग में झुलसे हुए हैं, जो अस्पताल में हैं। कई लोग हैं जिनकी कमाने वाले वही थे, जैसे एक फोटोग्राफर था भाई, उसकी जान चली गई, वो यहां पर मजदूरी करने आया था, फोटो खींचने के लिए आया था। एक दूल्हे का मौसेरा भाई था सुरेंद्र सिंह, वो लोगों को बचाने के लिए खुद की जान चली गई। तो तमाम उन लोगों की मदद होनी चाहिए, जैसा ये बता रहे हैं कि हम सब लोग मिल बैठ करके गांव के समाज के तमाम लोग बैठेंगे, और जो सहयोग राशि आएगी वो सब में मिल बांट कर जिसका जितना नुकसान हुआ है उनको उतना भरपाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और समाज के तमाम लोगों को साथ बैठ करके हम लोग ये मुहिम चलाएंगे।
तो ये अकाउंट डिटेल थी जो मैंने आपको दी है, अगर आप मदद करना चाहें तो इनसे करिएगा, और अगर आप इनको या इनके किसी परिवार को, इनके समाज के लोगों को जानते हैं तो उनको फोन कर दीजिएगा, आप उनसे बात कीजिएगा और जिसमें करना चाहें उसमें मदद कीजिएगा, और यहां आकर भी आप मदद करना चाहें तो भी आपका स्वागत है। शुक्रिया।